नमस्कार कक्षा 12 में ए 207 में, और आज हम कर रहे हैं इसकी लास्ट क्लास एटॉमिक फिजिक्स की। और लास्ट क्लास में थोड़ा सा पार्ट बाकी रह गया था पिछली क्लास में, वो है बोर मॉडल की कमियां। बोर मॉडल के बारे में हमने पढ़ लिया, पूरा डिस्क्राइब कर लिया, सारी बातें थी ऊर्जा वेग और त्रिज्या, इन सब के लिए फॉर्मूला डेराइव किया था, न्यूमेरिकल के लिए सब बातें हो चुकी हैं। लास्ट बात है ये बोर मॉडल की कमियां क्या है। नॉर्मली ये पूछ लेते हैं कोई दो कमी बताओ, एक कमी बताओ, तो हम दो चार कमियां लिख लेते हैं इसकी। सबसे पहली सबसे बड़ी मुख्य कमी क्या थी, इसने केवल हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या की थी। बस यही सबसे महत्वपूर्ण कमी यही है, केवल किसकी व्याख्या की गई थी, हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या की गई। या एक वर्ड और यूज किया गया इसमें कि हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन समान परमाणु की व्याख्या की गई। हाइड्रोजन समान परमाणु कौन से होते हैं, वे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हाइड्रोजन परमाणु के समान होती है। इसका मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उनके अंदर, केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन में तो हमें पता है इसमें, लेकिन जब हीलियम की बात करें तो इसके अंदर तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो होते हैं, दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहाँ हीलियम प्लस कहे, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, अब इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। लिथियम की बात करें तो लिथियम क्या हो गया, डबल प्लस लगा दो, क्योंकि लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन होते हैं, तीन नंबर का है, तीन प्रोटॉन तीन इलेक्ट्रॉन सामान्य स्थिति में। अब उसमें से अगर दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए तो कितने बचे हैं, अब जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो पहली कक्षा में ही रहेगा। तो हाइड्रोजन ने सॉरी बोल रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या की, यही कह सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु तथा हाइड्रोजन समान परमाणु, या ये कह सकते हैं कि एकल इलेक्ट्रॉन परमाणुओं की व्याख्या की। बाकी अन्य जटिल परमाणुओं के बारे में जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा थी उनके बारे में नहीं बताया गया। सबसे पहली जो कमी थी वो तो ये थी। दूसरी बात, जो बामन श्रेणी प्राप्त की जाती है उसमें ये देखते हैं कि जब परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो तरंगे उत्सर्जित होती है, उसे श्रेणी प्राप्त होती है, बामन श्रेणी प्राप्त होती है। जब उसको हाई लेवल स्पेक्ट्रोमीटर से देखा गया तो उसमें ये पता चला कि जो स्पेक्ट्रम ही रेखाएं हैं, जो ये स्पेक्ट्रम ही रेखाएं हैं, इनको और ध्यान से देखा गया तो यूँ देखा गया कि इसके अंदर और भी बारीक बारीक लाइनों से मिलकर बनी हुई है। तो वो अंदर जो इनके बारीक रेखाएं थी जिनसे मिलकर एक मोटी रेखा बनी हुई है, वो उनके बारे में इसमें कुछ भी नहीं बताया। इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्थाओं के बारे में इसमें कुछ भी नहीं बताया गया। तो ये कुछ तीन चार मुख्य कमियां हैं जिनके बारे में हम लिख लेते हैं शॉर्ट में। सबसे पहली तो इस मॉडल में हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन समान परमाणु कौन से, हीलियम प्लस, लिथियम डबल प्लस की व्याख्या की गई। एक से अधिक जिनमें इलेक्ट्रॉन थे जटिल परमाणु के हैं उनको, उनकी व्याख्या नहीं की गई। दूसरा, इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था के बारे में नहीं बताया गया। तीसरा, बामर श्रेणी में प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं को उच्च क्षमता के सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा गया तो पाया गया कि ये अन्य बारीक रेखाओं से मिलकर बनी है जिनके बारे में बोर मॉडल में
वही व्याख्या। नहीं की गई इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के बारे में समझाने में असफल रहा। बस ये बहुत तरह से चार इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के बारे में समझाने में असफल रहा। ये कुछ मुख्य कमियां थी जो बोर मॉडल में थी। तो अगर एक दो कमी पूछी जाए, तीन पूछी जाए, मुख्यतः दो पूछी जाती है, तो आप इनके बारे में बता सकते हैं।